उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के मुंगावली उपचुनाव प्रभारी सचिन यादव ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। मुंगावली में कांग्रेस के दावेदार को लेकर भीड़ लगी हुई है, वहीं अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया है। कई दावेदार सचिन यादव के सामने हैं, पर कांग्रेस का अभी तक मुंगावली में टिकट का पता नहीं है। मुंगावली के उपचुनाव प्रभारी बनाए गए सचिन यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की शपथ दिलाई, जो अभी तक कट्टर भाजपाई कार्यकर्ता थे। सचिन यादव ने सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ग्वालियर में हजारों कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता लेने पर कहा कि शिवराज सिंह और सिंधिया जी कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले कि 35 लाख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है, उनमें से 35 लोग ही होंगे जो हमारे कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसने 15 वर्ष का वनवास भोगा होगा, और उन सब के आशीर्वाद से हमारी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी। ऐसे कार्यकर्ताओं की उम्मीद और भावनाओं को मेहनत को बेचने का काम या सौदेबाजी का काम किसी ने किया है तो वो है सिंधिया और शिवराज। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह पूरी तरह से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का काम कर रहा है। आप सभी को मालूम ही होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनमत का और लोकतंत्र का अपमान किया है। कांग्रेस की सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही थी, हमें काम करने का बहुत ही कम समय मिला, क्योंकि जो लोगों की समस्या मिली हमें मध्य प्रदेश की आवाम, मध्य प्रदेश की जनता के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसान की बात करें तो हमने किसान के कर्ज माफी का काम शुरू किया। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद मध्य प्रदेश के 22 लाख किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। चरणबद्ध तरीके से योजना को हमने लागू करने का काम किया। मध्य प्रदेश में आज निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है, और पूरी मध्य प्रदेश की जनता जहां जहां पर भी 27 जगह उपचुनाव आने वाले हैं वहां पर हमारे जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे लोग और ऐसी जनता जिनके वोट को बेचने का काम किया, जिन्होंने गद्दारी करने का काम किया है, उनको सबक सिखाने का काम जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में करेगी, और आने वाले समय में पुनः कमलनाथ की फिर से एक बार सरकार बनते ही हमारे द्वारा घोषित पत्र में जो योजनाएं लागू की गई थी उनको पुनः चालू किया जाएगा। इतने भी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो 35,000 की बात करते हैं, मैं समझता हूँ 35 लोग भी जो है आज जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जिसने पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ में 15 वर्ष का जो है वनवास जिन लोगों ने भोगा और उनके सबके आशीर्वाद से परिश्रम मेहनत से हमारी मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसे कार्यकर्ताओं का जो है उनकी उम्मीदों उनकी भावनाओं को उनकी मेहनत उनके परिश्रम को बेचने का काम उनके सौदेबाजी करने का काम अगर किसी ने किया है तो जो है यहाँ के हमारे लोगों ने करा है। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से जो है पूरी ताकत और पूरी मेहनत से दोबारा जो है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जो काम कर रहा है। हमारा प्रजातंत्र खतरे में है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ पर भी अभी उपचुनाव होने वाले 27 सीटों पर वहाँ पर हमारे जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और ऐसे लोगों को ऐसे तत्वों को जिन्होंने उनके वोट बेचने का काम किया, जिन्होंने गद्दारी करने का काम किया, ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाने का काम जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में करेगी। और पुनः आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। सचिन यादव के द्वारा भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बने हुए कितने दिन हो गए हैं, फिर भी किसान कर्ज माफी की योजना पर भाजपा सरकार चुप है। शायद भाजपा के मन में बेईमानी है और अभी उन्होंने बजट पेश किया है, किसान कर्ज माफी को लेकर किसी भी प्रकार का प्रावधान माफी को लेकर नहीं किया है। पोस्टर न्यूज के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।